दोस्तों आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पेस में जिस चीज पर ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां टाइम बहुत स्लो गुजरेगा और यहां ग्रेविटी कम होगी वहां टाइम तेजी से गुजरेगा। जैसे ब्लैक होल, वहां पर ग्रेविटी कायनात में मौजूद हर चीज से ज्यादा है, वहां पर गुजारा हुआ एक मिनट जमीन के लाखों सालों के बराबर है। हमारी कायनात में इतने स्टार्स और गैलेक्सीज हैं जितने हमारी स्पिन पर रेत के जरे नहीं है। इनमें से हर स्टार और गैलेक्सी की ग्रेविटी दूसरे स्टार और गैलेक्सी से मुख्तलिफ है, यानी हर स्टार और गैलेक्सी में टाइम उसकी ग्रेविटी की वजह से अफेक्ट होता है। लेकिन साइंस कहती है जैसे टाइम हमारी स्पिन पर काम करता है वैसे ही पूरी कायनात में काम करता है, लेकिन ग्रेविटी का असर टाइम पर होता है। हमारी स्पिन पर दो तरह की ग्रेविटी असर करती है, एक सूरज की जिसकी वजह से वो उसके गिर्द घूमती है। ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिनों में कंप्लीट करती है, यानी सूरज का एक चक्कर इसका एक साल है और इन सालों के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर जमीन सूरज के ज्यादा करीब होती तो इस पर ग्रेविटी का असर ज्यादा होता और ये अपना एक चक्कर बहुत कम दिनों में कंप्लीट करती। जैसे वीनस जो 225 दिनों में अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, यानी वीनस का एक साल 225 दिनों के बराबर है, जिसका मतलब है कि वहाँ का टाइम जमीन के टाइम से मुख्तलिफ है। दूसरी ग्रेविटी चांद की है जिसकी वजह से हमारी स्पिन अपने एक्सिस पर एक स्टेबल रफ्तार से घूम रही है और इसी रफ्तार की वजह से हमारी स्पिन पर 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। अगर ये रफ्तार और ज्यादा तेज या स्लो होती तो जमीन पर दिन और रात का टाइम और ज्यादा कम हो जाता। जैसे मरकरी पर है, वो अपने एक्सिस पर बहुत कम रफ्तार में घूमता है जिसकी वजह से उसका एक दिन जमीन के 58 दिनों के बराबर होता है, यानी अगर हम वहाँ पर रहते तो 58 दिनों बाद रात होनी थी और इसका असर हमारे जिस्म पर भी होना था। इससे साफ है कि ग्रेविटी का असर टाइम पर है। साइंस की एक स्टडी के मुताबिक इस टाइम का आगाज आज से 13.8 अरब साल पहले हुआ था जब हमारी कायनात बनी थी, लेकिन हमें नहीं पता कि 13.8 अरब साल कितना बड़ा अरसा है, ये किस टाइम के बराबर है, उस वक्त ग्रेविटी क्या होगी। जब हमारी कायनात बनी थी ये हमारा एक अंदाजा है कि हमारी कायनात आज से 13.8 अरब साल पहले बनी थी। हम इन सालों को हमारी स्पीड के मुताबिक और सूरज के साथ चलने वाले टाइम के मुताबिक कैलकुलेट कर रहे हैं। असल में ये कितना टाइम है, इसमें कितने साल आते हैं, किसी का कुछ नहीं पता, क्योंकि ये सच में एक बहुत बड़ा नंबर है। इसको आसानी से कैलकुलेट करने के लिए कार्ल सैगन ने एक कैलेंडर पेश किया है जिसने कायनात की पूरी उम्र को स्पिन पर गुजरने वाले एक साल में डालकर स्पेस का एक कैलकुलेट बनाया है जिससे हम कायनात की पूरी उम्र को आसानी से समझ सकते हैं। इस कैलेंडर के मुताबिक हम ये भी जान पाते हैं कि कायनात में कौन सी चीज कब बनी, क्योंकि इस कैलेंडर में 13.8 अरब साल जमीन के एक साल के बराबर हो जाएंगे। जब आप इस कैलेंडर को देखेंगे तो 1 जनवरी को हमारी कायनात बनी और 31 दिसंबर हमारा आज का मौजूदा वक्त है। 1 जनवरी को हमारी कायनात बिग बैंग धमाके से बनी। जब कायनात बनी उस वक्त वो बहुत ज्यादा गर्म थी, उसे ठंडा होने में कई अरब साल लगे। उसके बाद 10 जनवरी को पहला स्टार बना, उसे ठंडा होने में कई करोड़ साल लगे। 1 जनवरी से 10 जनवरी के दरमियान जितना अरसा है वो करोड़ों सालों के बराबर है। उसके बाद 13 जनवरी को स्मॉल गैलेक्सीज बनना शुरू हुई। 15 जनवरी को हमारी गैलेक्सी मिल्की वे बनी। उसके बाद पूरी कायनात में बहुत ज्यादा गैलेक्सीज बनना शुरू हुई जिनमें स्टार्स और सितारों की फॉर्मेशन होने लगी। सितंबर में हमारी स्पिन और हमारे सोलर सिस्टम में बाकी सितारे बने। उस वक्त हमारी स्पिन पर मेट्रोइड की बारिश हुई जिसमें सेल्स मौजूद थे जो पानी में रहकर बैक्टीरिया बने और 31 सितंबर को स्पिन पर जिंदगी का आगाज हुआ जो इस कैलेंडर के हिसाब से कई माह तक चला। उसके बाद 25 दिसंबर को डायनासोर पैदा हुए, 26 दिसंबर को दूध देने वाले जानवर पैदा हुए, 27 दिसंबर को परिंदे पैदा हुए और फिर 30 दिसंबर को जमीन पर डायनासोर का खात्मा हुआ। इस हादसे के 8 मिनट बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहि सलाम को जमीन पर भेजा। हजरत आदम अलैहि सलाम से लेकर आज तक जमीन पर जो कुछ भी हुआ वो 30 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान हुआ और आज 31 दिसंबर है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। कार्ल सैगन के इस कैलेंडर के जरिए हम अपनी कायनात की उम्र को तो समझ सकते हैं, साथ ही हम कुरान पाक की दो आयात को भी समझ सकते हैं। सूरह अल हदीद की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं,
कि वो ही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया। और सूरह फुरकान की आयत नंबर 59 में अल्लाह ने फरमाया कि वो ही है जिसने 6 दिनों में जमीन और आसमानों को और इनमें सारी चीजों को बना कर रख दिया जो आसमानों और जमीन के दरमियान है। यानी आज से 1400 साल पहले ही अल्लाह ने कुरान पाक में बता दिया था कि हमने आसमानों और जमीन को 6 दिन में बनाया है। कुरान पाक के इस कैलेंडर में और कार्ल सैगन के कैलेंडर में कुछ चीजें एक जैसी हैं। कार्ल सैगन ने कायनात की पूरी उम्र को जमीन के 1 साल में एक्सप्लेन किया जिसमें 365 दिन आते हैं, और दूसरी तरफ कुरान पाक में बताया गया है कि कायनात को 6 दिन में बनाया गया है, यानी इसकी कुल उम्र 6 दिन है। कार्ल सैगन के कैलेंडर के मुताबिक हमारी स्पिन अगस्त में बनी थी, यानी हमारी स्पिन 8वें महीने में बनी। ये वो वक्त था जब कायनात की उम्र 2 तिहाई थी। इस तरह कुरान पाक में जिक्र है कि जमीन को अल्लाह ने उन 6 दिनों में 4थे दिन बनाया। यानी कुरान पाक के मुताबिक जब हमारी स्पिन बनी थी तब भी कायनात की उम्र 2 तिहाई थी। कुरान पाक में एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसने जमीन को वजूद में लाने के बाद ऊपर से उस पर पहाड़ जमा दिए और उसमें बरकतें रख दी और उसके अंदर सब मांगने वालों के लिए हर एक की तलब और हाजत के मुताबिक ठीक अंदाजे से खुराक का सामान मुहैया कर दिया, और ये सब काम 4 दिन में हो गए। फिर वो आसमान की तरफ मतवजा हुआ जो उस वक़्त सिर्फ धुआं था, और उसने आसमान और जमीन से कहा वजूद में आ जाओ, ख्वाह तुम चाहो या ना चाहो। दोनों ने कहा कि हम आ गए फरमा बरदारों की तरह। तब उसने 2 दिन के अंदर 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में उसका कानून वही कर दिया, और आसमान और दुनिया को हमने चिरागों से आरास्ता कर दिया और इसे खूब महफूज कर दिया। ये सब एक जबरदस्त अजीम हस्ती का मंसूबा है। हमारी पूरी कायनात 6 दिनों में बनी, और जब तक हमारी कायनात का सिलसिला चलता रहेगा इसका शुमार इन 6 दिनों में ही किया जाएगा जब तक क्यामत ना आ जाए। और कार्ल सैगन का भी कैलेंडर यही कहता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अल्लाह ने इतनी अजीम कायनात बनाई, इसके लिए एक तो लाइक बनता है। लाइक करने के साथ साथ नीचे कमेंट्स में अल्लाह अकबर लाजमी लिखें, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।